दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना है। दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो भी भाई बहन चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके अपनी बेल दबा करके चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले मानदेय के विषय में हम बात कर लेते हैं। कुछ राज्य जहां पर कल भी मानदेय आया है, कल आपका 6 जुलाई था और कल 6 जुलाई को भी मानदेय आया है। आइए आपको बताते हैं, कुछ मैसेज आए हैं। ये हमारे पास एक मैसेज आया है, भाई साहब मेरे यहां मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ग्रामीण एवं शहरी में 2 माह की सैलरी जो है 11,000 रुपए आज यानी कल का मैसेज है। तो कल आया है, कल 3:45 पर खाते में पहुंच चुके हैं। सिर्फ अप्रैल और मई का मानदेय है, वो भी राज्य सरकार का 6,000 जो है 6/8/2020 को आया है, यानी कल 6 आपका जुलाई थी। तो कल 6 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुरैना में भी मानदेय आया। हो सकता है मध्य प्रदेश के अन्य जो जनपद है जहां पर आप लोग इंतजार कर रहे होंगे जिनका मानदेय नहीं आया था, तो वहां पर भी शायद आया होगा, ऐसा अनुमान है, आप लोग अपना देख लेना। साथ ही आपको बता दें, अगला एक मैसेज देखिए मेरे पास मनसा जी का आया, उनका कहना है मानदेय आ गया है 6 अगस्त को, यानी कल। कल बिहार से हैं ये और बिहार में भी कल मानदेय उनका कहना है 6 अगस्त को आया है। और ये देख लीजिए 10:35 पर जो सुबह मानदेय आया है, तो कल 6 जुलाई को सुबह आपका बिहार राज्य में भी मानदेय आया है। मैं आपको बता दूं, ये उनका मैसेज भी आप देख सकते हो, ये उन्होंने अपना जो भी बैंक का आया वो उन्होंने भेजा है 6/8/2020 10:35 सुबह के टाइम, और ये उनका जो है पैसा आया है तो आप देख सकते हो 5468 रुपए। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे और भी जानकारियां, इससे ये पता चलता है कि आंगनबाड़ी बहनों आपका एक ही दिन हर जनपद में पैसा लॉकडाउन की स्थितियों के कारण नहीं पहुंच रहा है। ये समय समय से आपके जनपदों में क्षेत्रों में कुछ जो है गलतियां होने के कारण या फिर जो भी रह जाता होगा काम अधूरा, उन सबके चक्कर में जो लेट आ रहा है, तो अभी इंतजार कर लो, जहां कहीं नहीं आया आपका भी आ जाएगा, पूरी उम्मीद है, पैसा किसी का नहीं जाएगा। आगे बता दें, अगला मैसेज देखिए, ये रहा मेरे पास जो है पूर्णिया जिला बिहार से मानदेय आ गया है भैया जी। एक और मैसेज मेरे पास बिहार से ये लगा है, ये कोई और है भाई, उन्होंने भी भेजा है, उनका भी मैसेज आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। ये रहा 6 अगस्त को कल उनके वहां मैसेज आया है, ये आप देख सकते हो, ये उनके भी पैसे जो है 5650 रुपए उनका होगा वो आया है, ये आप देख सकते हो। साथ ही एक और अगर आपको खबर दिखाएंगे, ये देख लीजिए मेरे पास अगला मैसेज है बालाघाट, यानी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में बालाघाट पड़ता है, वहां से बहन है, उनका कहना है भैया जी आज जो है 5500 रुपया मानदेय आया है। तो ये देख लीजिए और भी उनका आया है, यानी कल 6 तारीख थी, कल 6 तारीख को उन्होंने मैसेज किया है 6 अगस्त को 5500 रुपया आया, उसके पहले भी 4 अगस्त को उनका 5500 रुपया आया था। तो इसीलिए बहन ने लिखा है, मैं छोटी भाई महेश वगैरह बिसेन आंगनबाड़ी कलकत्ता ग्राम जो है बरसपुर तहसील वगैरह वारासिवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से हूं, तो उनका भी पैसा जो है आ चुका है। ये मैसेज आप दो देख सकते हो, उनके हाल ही के हैं मैसेज, एक 6 अगस्त को आया 5500 का, एक 4 अगस्त को आया 5500 का। तो ऐसे में समय समय से जो है अंतराल पर कुछ समय में आप लोगों के पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफी जो इससे राहत मिलेगी, आप लोग यदि परेशान हो रहे होंगे। आगे चलते हैं, आपको और बताएंगे और भी जो तमाम बड़ी खबरें लेकर के आए, जैसे कि ये देख सकते हो एक आदेश, इसमें क्या लिखा, ये व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वायरल हो रहा है मेरे पास, इन बहन ने हमारी भेजा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, तो उसी के संबंध में बहन नीचे रंगोली वगैरह बना रही है फ्लोर पे, तो उसके बारे में उन्होंने फोटो भेजी है और एक ये मैसेज उन्होंने मुझे सेंड किया है, 7 और 8 अगस्त को जो बिहार में आम हड़ताल होने जा रही है, काफी जगह है सिटू वाले कर रहे हैं। तो ऐसे में बता दें, इसमें लिखा है हड़ताल से नालंदा जिला आंगनबाड़ी संघ अपने को कोरोना संक्रमण को देखते हुए अलग रखता है तथा हड़ताल नहीं करेगा। तो वहां से ये खबर व्हाट्सएप के जरिए वायरल हो रही है। इसमें यह भी लिखा है कि जो ICDS निदेशालय को भेजने की कृपा करें, सूचना भेज दें। अब समस्या यह है कि आंगनबाड़ी बहनों से तो बोल दिया गया कि आप लोग मोबाइल फोन पर काम ना करो, ठीक है, यूनियनों ने यह कह दिया कि काम ना करो। अब देखते हो, अब आप लोग देख रहे हो कई जिलों में ऐसे जो जिलाध्यक्ष हैं आशा कुमारी जी हैं, उनका कहना है कि हम जो है यहां पर अपना हड़ताल वड़ताल कुछ नहीं करेंगे। तो अभी आप देख लो, ये लोग पलट गए हैं वक्त पर। अब आप लोग ऐसे में आंगनबाड़ी फोन पर आप लोग जो यदि काम नहीं करोगे तो दिक्कत आपको होगी। इन्होंने तो अपना सब कुछ पल्लू झाड़ लिया, अब यहां पर यही समस्या है कि हम लोगों का यहां पर यदि आप कुछ करते हो तो पहली बात तो पीछे मत हटो, पीछे यदि हटना है तो फिर यहां पर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सिर्फ हमारी बहनें ही जो है यहां पर परेशान होगी। अब आगे आपको बता दें कुछ और भी खबरें, जैसे ये देख सकते हो ऑनलाइन शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे ग्राम प्रधान व आशा कार्यकर्ता। तो ऐसे में आपको बता दें, ये आपका कोरोना आपदा में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा जो है उससे प्रेरित किया जाएगा, अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायत अधिकारी साथ में आंगनबाड़ी बहनें, आशा कार्यकर्ता और ANM बहनें और ग्राम प्रधान, इन सबकी मदद ली जाएगी। तो इसके बारे में बताया जा रहा है, तो जानकारियां वगैरह आ रही हैं। आगे फिलहाल के लिए आगे जो भी निकल के आएगा हम आपको अवगत करा देंगे।
आगे एक और आप खबर देख सकते हो कोरोना से, जो डेथ पर जो 4 लाख का मुआवजा वगैरह टाइप का मिलता है। जानकारी ना होने के कारण बहुत से लोग इसका आवेदन ही नहीं कर पाते, तो इसके बारे में जानकारी दे दे। भास्कर न्यूज ने छापा है मुंगेर वगैरह जो जनपद वगैरह से, ये मुझे जानकारी मिली है। मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। लिखा है कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद सिविल सर्जन द्वारा संबंधित जिलाधिकारी यानी सीओ वगैरह लिखा है, सॉरी संबंधित जो अंचलाधिकारी है वो जिनको सीओ बोलते हैं, उनकी जो डेथ की रिपोर्ट वगैरह भेजी जाती है। संबंधित सीओ आपदा विभाग को इसकी सूचना देते हैं। मृतक के परिजन आपदा विभाग या संबंधित सीओ के यहां मुआवजे के लिए आवेदन जमा करते हैं। आवेदन के 24 घंटे के अंदर आपदा विभाग कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर जो है आश्रित को 4 लाख का भुगतान कर देती है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अपने शब्दों में आराम से पढ़ सकते हो यदि समझ में नहीं आया है। आगे बता दें, ये है दस्तावेज वगैरह, देख लीजिए, देना होगा आपको अनिवार्य रूप से। तो कोरोना पॉजिटिव की डेथ होने पर मुआवजे के लिए आपदा विभाग या संबंधित सीओ के यहां आवेदन किया जाता है। आवेदन दोनों में से किसी भी एक स्थान पर किया जा सकता है। आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जिसमें कोरोना से डेथ का प्रमाण पत्र के अलावा आवासीय प्रमाण पत्र तथा आश्रित के पासबुक व फोटोकॉपी शामिल है। आवेदन के 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान आपदा विभाग द्वारा किए जाने का प्रावधान है, ऐसा जानकारी में है। मुआवजे के लिए नहीं मिला एक भी आवेदन, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अभी आपको हम बता दें, ये देखिए डीएम ने भी माना है कि प्रचार के अभाव में आवेदन जमा नहीं कर रहे हैं पीड़ित। तो ये सारी चीजें हैं, जागरूकता बहुत ही जरूरी होती है समाज के लिए। आगे बता दें, एक अगला मैसेज देख सकते हो, अरुण पासवान भाई है बिहार से, उन्होंने मुझे भेजा है, यूनियन की तरफ से लेटर है 6 अगस्त को, कल ये लेटर बिहार में जारी हुआ है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 7 और 8 अगस्त को जो वो कह रहे हैं कि आम हड़ताल होने जा रही है उसके संबंध में, साथ ही साथ 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी उसके संबंध में। यदि 7-8 को मांगे नहीं मानी जाती है तो 16 से अनिश्चितकालीन हड़ताल बिहार में की जाएगी, ऐसा लेटर के अनुसार कहना है। लेकिन अभी आपने देखा एक जिले से दो बहन है, उन्होंने तो अपना झंडा नीचे कर लिया, बोली है कि हम नहीं करेंगे। अब देखिए, बहुत सी बहनों को बोल दिया गया कि आप अपना ICDS कैश मोबाइल पर काम ना करो, फोन बंद कर लो, सब कर लो। और वैसे भी आप देख रहे हो हर एक राज्य में फोन पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव ऊपर से बन रहा है। तो ऐसे में हम लोग ही जो है आगे आए, हम लोग ही सब कुछ करें, गलत कुछ हो जाए ऊंच नीच तब भी हम लोग ही सब भरे भुगते, समस्या यही है। यदि वहां की जिलाध्यक्ष बहन ने कुछ सोच करके यही डिसीजन पहले लेना था, एन वक्त पर अभी कल ये सब कुछ होना और वो अपना पीछे जो है अपना ले रही है, तो यही चीजें समस्या वाली है। फिलहाल के लिए आप सब खुद ही समझदार हो, अपने अपने कदमों को सोच समझ करके ही बढ़ाना। आगे बता दें, यहां पर देख लीजिए अगला हमारे पास जो मैसेज आया, ये हमारे पास एक आया, इसमें लिखा, नमस्कार भैया जी, ये आदेश क्या है और इसके बारे में जरा बताएं। तो आइए देखते हैं कैसा आदेश है। ये मेरे पास बिहार सरकार का आदेश है, 6 जुलाई यानी कल ही आदेश ये निकला है बिहार सरकार की तरफ से, निदेशालय से, आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए है। इसमें लिखा है COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन व्यवस्था के संबंध में ये आदेश आया है। आइए इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, आपको बता दें। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण से लाभार्थियों के बचाव हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन दिनांक 30/6/2020 तक स्थगित किया गया था। तो ऐसे में बता दें, जिसे समय जो है विचारोपरांत अगले आदेश तक विस्तारित किया जाता है। इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं महिलाओं को बुलाकर कोई गतिविधि आयोजित नहीं की जाएगी, किंतु आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं लाभार्थियों के घर जाकर के उपलब्ध कराई जाएंगी, ऐसा आदेश में है। यही पर यहां पर सब कुछ लिखा, आप लोग देख सकते हो। तो अभी ये सब कुछ बढ़ा दिया गया, आगे जो लॉकडाउन जैसा सब कुछ आपको देखने को मिल रहा था, तो अभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे उसी के संबंध में आदेश आया है। तो अभी कब खुलेंगे इसका कोई जिक्र नहीं है, अभी फिलहाल के लिए बिहार में सब केंद्र बंद है, वो हर जगह बंद है और बंद होने भी चाहिए। आगे बताते हैं, अगला मैसेज आप देख सकते हो, ये रहा मेरे पास आया, कार्यालय बाल विकास योजना विक्रम पटना। आप लोगों को एक और बात बता दें, आप लोग खबर देखते हो देख लिया करो, उसके बाद जो जानकारी आपके काम की लगता है लेटर अच्छा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। आगे बता दें, देखिए सभी आंगनबाड़ी सेविका बहने 48 जो है केंद्रों को छोड़ करके विक्रम परियोजना पटना, वहां के लिए कुछ जानकारी है। आंगनबाड़ी केंद्र जो डेली ओपनिंग स्टेटस शून्य रहने के संबंध में, तो वहां पर ICDS कैश पर काम नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में जानकारी ये लिखी हुई है। आप लोगों को मैंने 50 लेटर बहनों दिखाए हैं, चाहे आपके बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह काम करने को लेकर के। अब देखिए, आंगनबाड़ी वगैरह को लेकर के सेंटरों को ओपनिंग स्टेटस जो है 100% करवाया जाए, इसके संबंध में यानी फोन पर आपको दिखाना है कि हमारा केंद्र खुला है या नहीं खुला, ये सब कुछ, तो यही सब सारी चीजें हैं। लेकिन केंद्र बंद चल रहे हैं, आप लोगों को केंद्र खुला दिखाने हैं। कारण यह है कि जो सेवाएं हैं केंद्रों की वो चल रही है, इससे ये पता चलता रहे। तो इसके संबंध में सारी चीजें निकल निकल के आ रही हैं, आप देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट बिहार की बहनों ले सकती हो। आगे केंद्र को लेकर के है। अब अगला एक मैसेज देखिए, ये रहा उर्मिला जोशी बहन मध्य प्रदेश से, तो देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या आदेश निकला है और यहां पर क्या बोला जा रहा है।
ये देखिए लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन मध्य प्रदेश। दरअसल यूनियन का लेटर है और ये है 7 और 7 जुलाई का लेटर। और ऐसे में बता दें जो आम हड़ताल होने जा रही 7 और 8 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, C2E2 वाले कर रहे हैं, तो ऐसे में उसी के संबंध में मांगे वगैरह भी। और ये लेटर मैं बहुत पहले ही बहनों आप लोगों को दिखा चुका हूं जब मांगे वगैरह उठाई गई थी। आगे बता दें अगला मैसेज देख सकते हो, ये 69,000 वाली हमारी जो बहन है जिनका भर्ती में होने वाला था नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने उनका नाम सीधा 69,000 ही रख दिया है। और आगे आपको बता दें बहन ने कुछ तस्वीरें भेजी जैसा कि आप देख सकते हो, बच्चों को पोषाहार वगैरह बांट रही है घर घर जाकर के, तो बहुत अच्छा काम है। साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जैसा कि आप ये देख सकते हो एक अगला मैसेज मेरे पास आया। सुधांशु सर नमस्कार, निवेदन करती हूं कि हम सभी सेविकाएं जो है गोमिया प्रखंड में है तथा जिला बोकारो के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र चल रही है तथा सरकार के आदेशानुसार 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को हर माह सूखा राशन वितरण करती हूँ। 9 माह से पोषाहार की राशि बकाया है तथा हम सभी सेविकाओं को सूखा राशन बांटने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, न्यूज वगैरह में प्रसारित करने की कृपा करें। तो पहली बात बहन मैं आपसे अभी ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके वहां जब 9 माह से पोषाहार की राशि नहीं मिली है, ठीक है, तो आप पोषाहार क्यों बांटोगी? और रही बात जब पोषाहार की राशि नहीं मिली तो मत बांटो, तो टेंशन ही खत्म है, ना आएगा पोषाहार ना बांटना होगा। अब यहां पर समस्या मेरी समझ में आ रही है, आपने एक्सप्लेन अच्छे से नहीं किया है। हो सकता है आपने अपने पैसों से पोषाहार की राशि सूखा राशन खरीद करके बांट दिया होगा, यह किया होगा, और यह तब हुआ होगा जब मौखिक आदेश आपको आपके विभाग के अधिकारियों ने दिए होंगे, सुपरवाइजरों ने, CDPO, तो आपने अगर ऐसा काम किया है तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी ही है। क्योंकि आप सब यदि कहीं पर भी किसी भी राज्य में ऐसा काम कर रही हो, मौखिक आदेश आता कि आप ऐसा काम कर लो, ऊपर से पैसा ना आए और आप काम कर लो, तो ये गलती सिर्फ आपकी है। क्योंकि पैसा नहीं तो हम काम अपने मानदेय से 5,000 पाते, इसमें घर चलाना मुश्किल है, हम इससे पैसा खर्च करके नहीं कर पाएंगे। क्या आप इन शब्दों को कह नहीं सकती, अपनी समस्याओं को बता नहीं सकती, और फिर 9 माह हो जाए और आप यदि सूखा राशन अपने पैसों से खरीद करके बांटती रहो तो गलती सिर्फ आपकी मानी जाएगी। इसमें कोई गलती नहीं है, किसी की भी नहीं। अधिकारी गलत कह रहा तो आपका भी तो फर्ज बनता कि वो अगर हमें गलत राह पर चलना सिखा रहे हैं तो हमें उसको इनकार कर देना चाहिए। फिलहाल के लिए समझाना मेरा फर्ज है, समझना आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए हमारे पास अगला मैसेज, COVID-19 सर्वे करते हुए आंगनबाड़ी जो बहन है शेरपुर वगैरह कला विलाक वगैरह पूरनपुर से, उनकी एक तस्वीर आप देख सकते हो। अगला मैसेज देखिए, ये मेरे पास आया है बांदा से हमारी बहन है जया बहन, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी है। और इनके केंद्र की फोटो मैंने कई बार दिखाई है, काफी अच्छी अच्छी आकृतियां हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, और भी जो महिलाएं आती उनके लिए भी बनी हुई है, जैसा कि गर्भवती महिला की आप देख सकते हो यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है। ऐसे यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं उसी के संबंध में फोटो है। आगे बता दें अगला एक मैसेज देख सकते हो, वजीरगंज साथ है, वहीं से, हाँ वजीरगंज से है हमारी बहन, उन्होंने भी भेजा है, काफी लिख करके भी भेजा है, गोंडा वगैरह से है, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। फिलहाल के लिए आप उनकी तस्वीर देख लीजिए, पोषाहार का वितरण वो कर रही है। हम आगे चलते हैं, और भी जानकारियां हैं। एक और हमारे पास ये बहन है अनीता बहन, उन्होंने अपने वहां पर बच्चों को पोषाहार बांटा है, उसी के संबंध में देखिए सर्किल भी बना लिए हैं, पोषाहार भी बांटा, सभी लोग दूर दूर खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, घर के बाहर अपने बांट दिया, बहुत ही अच्छा तरीका है, ये भी किया जा सकता है और सबसे सरल तरीका है घर घर ना जाकर के ऐसे करना। काफी जगह अधिकारी इसके लिए सुझाव दे देते हैं, काफी जगह जो डरने वाले जो सुपरवाइजर है CDPO है वो कहते हैं नहीं घर घर जाओ बांटो, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको करना है। अब आगे देखिए अगला मैसेज है, ये प्रियंका देवी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है, बिहार से हैं, लेटर भी उन्होंने बिहार यूनियन का भेजा है, और इस लेटर को मैंने कई बार पढ़ भी चुका हूं, 7-8 अगस्त को जो ये आपका हड़ताल होने जा रहा है उसी के संबंध में लेटर है। अब आगे देखिए अगला मैसेज ये मेरे पास आया है, इसमें लिखा सुधांशु भैया नमस्कार, सेविका सोनी कुमारी कोविड जो है कोड वगैरह 146 है, परियोजना चेहर कला है, वहां से वैशाली बिहार से, तो उनके वहां पर भी जो शायद अन्नप्राशन या कुछ और ऐसे मनाया जा रहा है, विश्व स्तनपान लिखा हुआ दिवस वो मनाया जा रहा है, काफी साफ नहीं दिख रहा था। तो आगे चलते हैं, और आपको बता दें एक अगला मैसेज है अमजदी बहन का, उन्होंने भी भेजा है, और ये मुझे एक लेटर टाइप का उन्होंने भेजा है, कुछ लिख करके भी भेजा है, ऐसे सब कुछ है, तो नो योर पेमेंट PDF को लेकर के कुछ है जानकारी, मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया, कल शाम को नेट नहीं चल रहा था। अब आगे चलते हैं, आपको बता दें कुछ और भी जानकारियां, जैसे ये देख लीजिए डिंपल शर्मा बहन है, उन्होंने मुझे भेजा, अलीगंज जटा से है, उन्होंने भी ये तस्वीर भेजी है जिसमें काफी बहनें पास पास नजर आ रही है। अब यहां पर जो ट्रेनिंग टाइप की जो भी चल रही होगी इनमें हमारी बहनों का डर बहुत ज्यादा है, कोई भी बहन यदि एक संक्रमित होगी तो हमारी बाकी की बहनें हो जाएंगी। बस इन्हीं चीजों को लेकर के मैं आपको समझाता रहता हूं कि जो भी करो दूर दूर रह करके अभी आप लोगों को ट्रेनिंग वेनिंग करनी है। अगला मैसेज देख लीजिए, ये रहा अरुण पासवान भाई जी का है, और उन्होंने मुझे भेजा है एक तस्वीर भी बहन ने अपनी भेजी है, वहीं से हैं बहन, और हमारे अरुण पासवान भाई जी मुझे काफी जानकारियां बिहार से जो भेजते रहते हैं समय समय से जानकारी, तो अभी आगे आपको ले चलते हैं। ये देखिए अगला मैसेज सुमित्रा बहन का, और बच्चे का वजन वगैरह वो ले रही है उसके संबंध में उन्होंने मुझे तस्वीर वगैरह भेजी है। अब आगे आपको और दिखा दे, जैसे एक और मैसेज मेरे पास आया है, गायत्री देवी बहन है उनका भी है, और नमस्ते सुधांशु भैया, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गायत्री शाह जिला मऊ से है, केंद्र पर कुछ महिलाओं को स्तनपान
वाहन की जानकारी वगैरह बहन दे रही है, तो आप ये देख सकते हो बहन ने मुझे लिखा है। साथ ही ये भी लिखा कि भैया जी आपका वीडियो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम देखती हूँ, आपकी हर एक बात खबर सच्ची रहती है और मैं आपकी हर एक खबर से सहमत भी रहती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आगे चलते हैं, आपको और बता दें, ये देखिए एक और मैसेज लगा, भैया जी इस समय परेशान हूँ, तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो आपका न्यूज नहीं देख पा रहे, तो कोई बात नहीं बहन, अपना ख्याल रखिए हर बहन। ये देखिए लालमणि बहन है, काफी बार इनकी आप तस्वीर देखते रहते हो और ये वो जो है घर घर जाकर के विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है तो उसके बारे में जागरूक कर रही है और तबियत भी खराब है, फिर भी बहनें काम कर रही है और ऐसे में काफी दिक्कतें हो रही हैं। आगे चलते हैं, आपको बता दें, ये देख लीजिए एक और बहन है, भैया जी मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूनम देवी बिहार मधुबनी जिले से है और हमारे यहाँ प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारी द्वारा सभी सेविका एवं सहायिकाओं को कोरोना की जांच कराई जा रही, तो अब यहाँ पर मैसेज में सहायिका और सेविका बहनों की जांच कराई जा रही ऐसा इनका कहना, तो अच्छी बात है। यदि इन बहनों से दूसरे लोगों की जांच कराई जा रही तो कह सकते हैं कि यहाँ पर काम है गलत है, लेकिन यहाँ पर हमारी बहनों की ही यदि जांच हो रही तो अच्छी बात है और या शायद बहन से ही जो लिखने में कुछ गलत हुआ होगा। अगला मैसेज देखिए, अगला आया है मेरे पास ये और बहन ने कुछ लेटर भेजा है प्रारूप जैसा लिखा है, नमस्ते सुधांशु भैया जी, इंदुमती बहन है ज्ञानपुर से भदोई से, उन्होंने मुझे ये जानकारी आदेश वगैरह भेजा है, तो इसमें कुछ आदेश वगैरह लिखे हुए हैं और ये पूरा आया नहीं मेरे पास अभी, और फिलहाल के लिए जो भी होगा बहन आप उसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आगे चलते हैं, एक और मैसेज है, ये देख लीजिए बहुत ही जरूरी है और इस पर सभी लोग ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है, नमस्ते भैया जी, मैं अतुल कुमार बिलग्राम हरदोई से हैं, लेटर वगैरह डीएम साहब की तरफ से बताया जा रहा है ये आया है, मगर इसमें जो है बहनों की ड्यूटी लगाने की बात कही जा रही है, मगर इसमें कहीं पर भी लेटर का जो जिक्र वगैरह नहीं, यानी कि पत्र आते हैं ना, मैं दिखाता हूं जब कोई पत्र, तो उसमें पत्र संख्या पड़ी होती है, सब कुछ बड़ा डिटेल से होता है और जब भी कुछ होता है तो उसकी यानी संख्या पड़ी होती है, पत्रांक संख्या, इस जो लेटर जो इनको भेजा गया उसमें कोई पत्रांक संख्या कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल शब्दों में लिखा है जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी यह निर्देश किया गया कि यह सब कुछ आपको करना है, एक सप्ताह वगैरह एक स्पेशल सर्विलांस वगैरह का अभियान होगा, घर घर जाओ निगरानी करो, यही सब कुछ जो भी आप लोगों को बताया था ना, थर्मल स्क्रीनिंग का काम जगह जगह चल रहा, जहां कोरोना के पेशेंट ज्यादा आते हैं उन एरिया में सब कुछ स्क्रीनिंग चलती है, तो अभी आप देख रहे हो वही सब कुछ चल रहा है, बहनों को काफी दिक्कत हो रही है और ये लिखित आदेश नहीं बोले जाते, ये सिर्फ आप लोगों को ऐसे ही है मौखिक आदेश ही समझ लीजिए, व्हाट्सएप पर ऐसे भेज दो, बाकी लिखित आदेश मतलब लेटर निकले जो आगे ले जाया जा सके। कल को बहन आपके वहां कोई संक्रमित होती है, डेथ होती है, तो आपका यह जो मैसेज है इसके आधार पर कुछ नहीं होगा, ये व्हाट्सएप पर लिखित मैसेज है, कौन जानेगा है किसका मैसेज है, कोई फर्जी में लिखा है या आप बनावटी ले आए, तो यही चीजें होती ना, लेटर वो जो सरकारी अधिकारी रूप से निकले तो उनका पालन होता है। आगे फिलहाल के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, उम्मीद करते हैं कि दोपहर को अगर जानकारियां आएंगी तो वीडियो लेकर के आएंगे, अन्यथा शाम को लाएंगे, बाकी सुबह मैंने एक वीडियो अपने सुधांशु पटेल चैनल पर दिया है आज के मुख्य समाचार का, शाम को भी शायद उम्मीद है दोपहर को एक वीडियो और उस पर देंगे, तो अभी दो दो वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों चैनलों पर, क्योंकि मैं चाहता हूं वहां पर भी काफी लोग और भी लोग जो है उन तक भी सच्ची जानकारी